अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाहुद्दीन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लैंड फॉर सेल। दोस्तों, आज मैं आपके पास 32 कनाल लेके आया हूं जो कि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में आता है। इसमें कमर्शियल रकबे का भी जिक्र को मुकम्मल जरूर देखिएगा, तमाम तफसीलात वीडियो में शामिल कर दी गई हैं। सब लोगों से रिक्वेस्ट, जो लोग हमारे चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बार बार मिलते रहें। अच्छा भाई, ये जो सा आपके पास 32 कनाल खानपुर में, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी बनती है? एग्जैक्ट लोकेशन सर ये बनती है, आपने क्या नाम है, बेनजीर इंटरचेंज देखा है ना, बेनजीर रोड देखा है, शहर इंटरचेंज, क्या नाम है, 8 एकड़ जमीन है जी जी, तो ये मोटरवे इंटरचेंज है जहर पीर का। अच्छा, उसके ना यानी तकरीबन 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर लगा लें, 3 किलोमीटर लगा लें, ठीक है, मेन रोड नहीं लगती उसको, मेन रोड से ना ऐसे 3-4 एकड़ दूर है मेन रोड से, ठीक हो गया। तो ये क्या कहते हैं, अच्छा तो यहाँ पे पानी वगैरह भी जो है ना, इसका नहर का हर जुमेरात को ना मिलता है, तकरीबन 8 एकड़ है तो 8 घंटे पानी मिलते हैं, एक एकड़ के हिसाब से 1 घंटा पानी, ठीक है। तो जमीन का मतलब अपना नहीं है पानी, अगर वहाँ पर पेट्रोल वो तो है, मीठा पानी वहाँ पे लगा हुआ है, यानी एक जो हुकूमत की तरफ से नहर का पानी मिलता है ना फ्री में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, सही हो गया, इस तरह है तो एग्रीकल्चर के लिए जी, साथ में सारा रकबा भी हमारा, तकरीबन रास्ता वगैरह भी आपको जैसे एग्रीकल्चर जमीन है, और क्या कहते हैं, रास्ते वगैरह सारे इसी लगते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट और तहसील इसे कौन सी लगती है? डिस्ट्रिक्ट जो है ना जिला रहीम यार खान लगता है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट तहसील कौन सी है? तहसील खानपुर, जिला रहीम यार खान और मौजा पखतानी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। तो ये एक ही शख्स के नाम पे है सारी जमीन? जी जी सर, मेरे वालिद साहब के नाम। अच्छा, आपके वालिद साहब के नाम पे है, तो अगर विजिट वगैरह कराना हो, मतलब चेक आप खुद जमीन कराएंगे ना? जी जी, आप मुझे कहेंगे मैं खुद विजिट करा। तो प्राइस इसकी क्या कह रहे हैं? वैसे वहाँ पे जो क्या नाम है, शेड्यूल रेट है सर 22-23 लाख रुपए की एकड़। अच्छा, तो आप 20 लाख पर एकड़ दे रहे हैं? 20 लाख। इसमें कोई कमी पेशी है या मतलब फिक्स है? आप पहले आए विजिट करें सर, ऐसे तो कुछ भी बात नहीं कर सकते। ठीक हो गया, हाँ विजिट करेंगे फिर। और वैसे मेरे पास एक और कमर्शियल रकबा भी है, वो भी फोर सेल के लिए है। अच्छा, वो किस जगह है? राजनपुर का नाम सुना होगा? किस जगह? जिला राजनपुर, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में, ठीक हो गया। हाँ, तो उधर वो सर बहुत ही अच्छा यानी रकबा है। वो क्या प्राइस है? ऐसे वो मैं आपको, उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है, वो ऐसे है सर, जिला राजनपुर का जो बारी है ना जी, गाड़ी अड्डे के बिल्कुल ऊपर ही वहाँ पे, वो अड्डे ही नहीं हम समझ लें हमारा ही है। अच्छा अच्छा, तो अब्बू और चाचा दो भाई थे, उन्होंने फिर डिवाइड कर लिए। अच्छा, हम अपना जो है ना इसका सेल करना चाह रहे थे, ठीक, वहाँ पे है 23 बन रहे हैं समझ लें। अच्छा, ठीक है, तो क्या क्या प्राइस है वहाँ सर? वैसे तो हमने 5-6 साल पहले एक मरला हमने सेल किया था 65 लाख रुपये मरला। अच्छा अच्छा, तो वो कॉर्नर का था, तो ये है सर, ये फ्रंट बैक हम अगर मैं आपको इसका नक्शा मैप वगैरह जो है लोकेशन में आपको व्हाट्सएप करता हूँ, विजिट देख लें। अच्छा, तो वो हम वहाँ पे अब हमने डिमांड रखी है 30 लाख रुपये फी मिल रहा। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक हो गया। और इसमें अभी क्या लगा रहे हैं, ये जो सा एग्रीकल्चर है? अभी इधर सर गंदम लगी हुई है। अच्छा, गंदम वगैरह लगा रहे हैं? हाँ, गंदम है, थोड़ा सा ऐसे पहले बाग वगैरह था वो फिर ख़त्म कर दिया, फिर गंदम लगी। चलें ठीक हो गया, चलें सही है भाई, इंशाल्लाह अगर कोई पार्टी होती है ना फिर मैं आपको मतलब वो बताऊंगा, ठीक है, कांटेक्ट करूंगा। ओके।